असल नवाब जेड़ी गल है कितना नुकसान हो डीजल मदान नाल चलावे चाचे दी गल्लां तुसां बिल्कुल सुननियां है मननियां नहीं है हुकूमत वाले जांदी करे ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਪਰਾਡੋ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਮਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਕੀ ਬਾਤ ਠੀਕ 500 ਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ ਰਾਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਤ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਦੀਮ ਵਸੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬੰਬ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ 38 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ 38 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ और बहुत ही ज्यादा इजाफा मुल्क के अंदर हुआ बहुत ही इजाफा और रिकॉर्ड जो है बहुत ही ज्यादा इजाफा 36 रुपये डीजल बदना बहुत ही नाइंसाफी है लोगों ने गल करने है कि तुम्हें कैसा और कितना कितना नुकसान है सारे जिम्मेदार हैं मौजूद हैं जनाब और सामने पहले पास कैमरे देखिए सारे जनाब हाजी मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं उन्होंने गल करने के तुम्हारा कितना जिम्मेदार है और तुम्हें कितना नुकसान है अस्सलाम वालेकुम हाँ जनाब आरिफ साहब तुम्हारा कितना जिम्मेदार है कितना जनाब कनक का पानी ला बना ट्रैक्टर भी चलाने कितना नुकसान हो जे लंद गल कर भी अगर एक पानी लावे तो 3 से 4 हज़ार रुपए इजाफा तेल का जो नुकसान हो और गंदम का रेट भी तकरीबन इस दफा उम्मीद है कि बहुत ज्यादा हो लेकिन इतना गवर्नमेंट वालों नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी ने लोगों का जीना हराम कर दिता है ऐसा ना जनाब दूसरे जिम्मेदार है इधर वेखो जी जिम्मेदार मोहम्मद इकबाल साहब इधर वेखो सर हाँ जी जनाब तो कितना जिम्मेदार है तो तुम जनाब कितना जरा नुकसान हुआ है भाई बहुत ज्यादा जिम्मेदार है नुकसान हो रहा है तो क्या करें मसला नहीं है तो आड़ा हुकूमत को कोई गाल नहीं तो करना चाहते भी कितना घट करें हुकूमत को पे सहूलतें दे मैं आ गल हुकूमत को ए गुजारे से पे सहूलतें दे मैं ये तो नहीं पे गरीबा नु जा 150 तो आटा लेंदे पे आ यात्रा सा तो पेट्रोल होवे बिल्कुल जनाब 150 रुपए में बिल्कुल नहीं में गल ठीक हो गया रीवा माम तो मरती पई है 150 रुपये आटा का किलो लगता पे है और हूँ तकरीबन 250 रुपये के उत्ते पेट्रोल चला गया है 280 रुपये तो डीजल चला गया है लोगों का कहना है कि बहुत ही नाइंसाफी है हुकूमत पाकिस्तान में चीज़ा सोचनी चाहिए गवर्नमेंट 38 रुपये जनाब पेट्रोल वध्या है 38 रुपये डीजल वध्या तुम मुल्क पाकिस्तान की आवाम की आखना चाहते हो हुकूमत गरीब तो स्कूटर बेच के साइकिल लेने का वादा तुसी की करेंदे हो नहीं असि अगले स्कूटर ला के तो हुन पराडो लेंदे पए हां यार जानदे हो गए हां ए जना गल करो बहरहाल जनाबे चाचे दी गल्लां तुसा बिल्कुल सुननियां है मननियां नहीं है हुकूमत वाले जानदी करया कि केड़े मुल्क दे हालात है तुसी क्या तो कितना नुकसान है जनाब कनक दे सवेरी पानी लावा तो कितना ज्यादा तेल सड़ सी किले मगर तकरीबन 2-3 हज़ार रुपए का फर्क आ गया और 6-7 किले थोड़ी कहना के 35-40 हज़ार रुपए का एवं एक दिन के नुकसान होया और यह होंगे रहना आस्ता आस्ता बिल्कुल जनाब हम अल करते हैं दूसरे जनाब की हाल चाल खैरियत है अज अं मौजूद हैं बुस्सी अड्डे सा जनाब जिम्मेदार हैं नवाब मोहम्मद इकबाल सियाल रईस आजम टीपी निजामत घाटी इन्होंने को पूछना कि पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट खास कर जरूरत होती ज्यादा डीजल की लेकिन डीजल के हालात के मुताबिक बहुत ही ज्यादा डीजल में इजाफा हो तकरीबन 36 रुपये डीजल वध्या है हाँ जी नवाब साहब तो ट्रैक कितना नुकसान हो डीजल वधन नाल दसो जी गल करो गल करनी है कि कितना नुकसान हुआ ट्रैक्टर चलते हैं जहाँ थ्रेशर चलती है जिम्मेदार भी है कितना नुकसान होया बस तकरीबन मसला नहीं बड़ा ज्यादा नुकसान होया अगर तुम्हें पहले पता हो जाता तो तेल ले सकते हैं पहले अच्छा हम इस टाइम मौजूद है हालात में कितना तेल का स्टॉक पे है ही कोई नहीं तेल का हिसाब पता ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होया हुकूमत को की आखना चाहते हो तुम्हारे बारे की करे क्या बात थोड़ा उच्चा बोलो यार दसो हाँ जी अच्छा ठीक हो गया हाँ जी जनाब ये साढ़े नाल जनाब दूसरा जिम्मेदार है आज भुखा नाम भरते पे हैं हाँ जी ये साढ़े नाल जनाब मुहर अच्छा हाँ जी हाँ जनाब असल नवाब जेड़ी गल है हाँ जनाब ये साढ़े नाल दूसरा जिम्मेदार असल नवाब ठीक है ये नाम ही नवाब है और टीपी निजामत काठी अंदर नवाब है
ਸਾਡੇ ਕਮਾਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਿਗਟਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਵਧ ਗਿਆ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਣਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਵਰਦੇ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਣਾਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਨੇ ਦੋ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।